नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। विकास के रोडमैप की तैयारी शुरू हो चुकी है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, ग्राउंड ब्रेकिंग टू सेरेमनी का आयोजन आज किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जो है इसका शिलान्यास करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और 65,000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। 292 परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाएगा। सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 6 सत्र में आयोजित होगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन आज किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जो है इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ, कई बड़े उद्योगपति, कई बड़े स्टार्स जो है पहुंचेंगे। 2 साल के कार्यकाल के दौरान दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का यह आयोजन होना अपने आप में योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रहा है, जिससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम में कई बड़े नेता, कई बड़े स्टार्स, कई बड़े उद्योगपति जो है शिरकत करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 के लिए तैयारियां पूरी। दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 292 कंपनियों की ओर से 65,000 करोड़ के निवेश के जरिए यूपी में रोजगार मुहैया कराने का दरवाजा सीएम योगी की सरकार करने जा रही है। उद्योगों की ओर से यूपी में किए जा रहे इस भारी भरकम निवेश से विकास का रोड मैप भी तैयार होगा। सबसे ज्यादा 31% निवेश इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में होने जा रहे हैं। वहीं हाउसिंग क्षेत्र में 10% निवेश ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से होगा। विकास को गति देने वाले आधारभूत संरचना क्षेत्र में 12% और गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में 16% निवेश का रास्ता साफ हो गया है। फूड प्रोसेसिंग और निर्माण क्षेत्र में 8-8% निवेश होना है। सबसे ज्यादा 54% निवेश पश्चिमी यूपी में होगा। वहीं पूर्वांचल में 13%, मध्यांचल में 19% और बुंदेलखंड में 4% निवेश होने जा रहा है। इससे पहले 2018 में यूपी में 62,000 करोड़ की योजनाओं के लिए पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, जिनसे तमाम लोगों को रोजगार मिला है। सीएम योगी जी ऐसे ही कार्यक्रमों के जरिए यूपी को 1,00,000 करोड़ वाली अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। इस रास्ते पर उनकी सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 6 सत्रों में आयोजित होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से निवेश बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को, और इसीलिए जो है इसकी शुरुआत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता जो है इस दौरान मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि इस ग्राउंड ब्रेकिंग टू सेरेमनी की तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास होने वाला है। निवेश मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, और सीएम योगी आदित्यनाथ का सपना उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की राह बनाने के लिए अग्रसर जो है वो अब हो रहा है। तो 292 परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन जो है किया जाएगा। सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 6 सत्र में आयोजित होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम का आयोजित होगा, और तैयारियां जो है पूरी की जा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, कई उद्योगपति पहुंच रहे हैं, कई फिल्मी सितारे जो है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। लखनऊ में इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 का आयोजन होगा, और 2 साल में दूसरी बार ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जो अपने आप में योगी सरकार की उपलब्धि बता रही है। और अब आपको ग्राफिक्स जरिए बताते हैं क्या कुछ खास होगा इसमें। ग्राउंड ब्रेकिंग के जरिए सबसे ज्यादा 31% निवेश जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में होगा। हाउसिंग क्षेत्र में 10% निवेश का रास्ता साफ हो जाएगा। आधारभूत संरचना के लिए 12% का निवेश जो है वो किया जाएगा। वही गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में 16% निवेश होगा। फूड प्रोसेसिंग, निर्माण क्षेत्र में 8-8% निवेश होगा। ये आपको बता रहे कि आखिर कौन से क्षेत्र में कितना फीसदी निवेश होगा। 54% निवेश पश्चिमी यूपी में किया जाएगा, तो वहीं पूर्वांचल में 13% निवेश का रास्ता साफ होगा। मध्यांचल की बात करें 19%, बुंदेलखंड में 4% निवेश होगा। तो देखिए, आपको ग्राफिक्स ये बता रहे कि आखिर कौन से क्षेत्र में कितना फीसदी निवेश होगा, कौन से क्षेत्र को सबसे ज्यादा फायदा होगा, और साथ ही कहां क्या कुछ होगा। बाजार
हजार करोड़ रुपए के मूल्य की इंडस्ट्रीज का ग्राउंड ब्रेकिंग भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करेंगे। तो वो ग्राउंड ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश में नई इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत जो नई इंडस्ट्री जिन्होंने लगानी है उनके लिए। जो ही एक साल पहले इन्वेस्टर समिट हुआ था, क्या ये भी उम्मीद है कि कब कुछ नई इंडस्ट्रीज भी आएंगी, जो कि लगातार सरकार से संपर्क में और सरकार के अच्छे काम को देखते हुए वो भी चाहते हैं कुछ? वही इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने अपना काम शुरू करना है। आज से एक वर्ष पूर्ण, ये एक साल में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। लगभग डेढ़ साल पहले भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट किया, उद्घाटन किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब वो पहली ग्राउंड ब्रेकिंग में 29 जुलाई को आए थे, तो जो उन्होंने यूपी के बारे में कहा और हम लोगों के काम को जो सराहना की, उससे हमारे को उत्साह मिला, बल मिला, एक काम करने की प्रेरणा मिली, एक रास्ता मिला, एक ताकत मिली, जिसके कारण हमने एक फिर कनेक्शन बनाया इंडस्ट्रीज के साथ। इन एक साल में मैं चार बार उन उद्यमियों से मिला हूँ जिन्होंने कल भूमि पूजन में पार्टिसिपेट किया। उनकी हर ज़रूरतों को, हर आवश्यकताओं को, हर क्लियरेंसेस को हमने सिंगल टेबल के ऊपर उसका क्लियरेंस करने का प्रयास किया। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, जो ज़मीन से रिलेटेड होते हैं, अन्य ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन क्लियरेंसेस वाले जो भी इश्यूज होते हैं जो सरकारी स्तर के प्रलंबित रहते हैं, उनको समय सीमा के अंतर्गत उनको क्लियरेंस देके हम लोगों ने इस बात को सिद्ध किया कि एक साल में हम दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। और एक साल के अंदर ही लगभग 1,25,00,000 रुपया, 60,000 करोड़ रुपया पहले किया था और लगभग 65,000 करोड़ रुपया अभी करने जा रहे हैं, 1,25,00,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट। सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक साल के अंदर दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हमारी तरफ से किया जा रहा है और ये इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्रम राठौर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, अगर बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात दरअसल ये हो जाती है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की राहत में अग्रसर तो हो रहा है और जिस तरीके सतीश महाना भी कह रहे कि एक साल में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करना कोई आसान बात नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ये बात बड़ी है क्योंकि जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में निवेश की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से एक साल के अंदर दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होना एक बड़ी उपलब्धि है। इन्वेस्टर समिट में जिस तरीके से 4.28 लाख करोड़ का जिस तरीके से MOU साइन हुए थे और उसमें फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में लगभग 60,000 करोड़ की 81 परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा गया और आज 65,000 करोड़ की 290 परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, योगी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। योगी सरकार की अगर बात की जाए तो दो साल में अगर निवेश के स्तर से देखा जाए तो योगी सरकार के दो साल पूरे हुए और दो साल में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, यह साफ लगता है कि आज लोगों का जो निवेशक है, जो उद्योगपति है, उनका उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, योगदान पर, एनर्जी सेक्टर पर, ऊर्जा सेक्टर पर, जहां पर बिजली एक बड़ी समस्या हमेशा बनी रहती थी, उन सभी चीजों पर एक बड़े स्तर पर भरोसा है। 292 परियोजनाओं को पूरी तरीके से जमीन स्तर पर उतारा जाएगा। अमित शाह आज पूरी इन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अगर परियोजनाओं की बात की जाए तो लगभग 18,981 करोड़ की 33 परियोजनाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है। रिन्यूअल एनर्जी में 10,600 करोड़ की परियोजनाएं हैं, 31 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 7,217 करोड़ की 13 परियोजनाएं हैं। हाउसिंग सेक्टर से अगर बताई जाए तो लगभग 6,402 करोड़ की 17 परियोजनाएं हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लगभग 5,926 करोड़ की 58 परियोजनाएं हैं। आईटी सेक्टर से 3,112 करोड़ की 20 परियोजनाएं हैं। हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई 1,630 करोड़ की 14 परियोजनाएं, ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो पूरी तरीके से जिनका शिलान्यास किया जाएगा, जो एक माइलस्टोन होंगी उत्तर प्रदेश के लिए। जिस तरीके से लगातार निवेश को लेकर बात हो रही है, जिस तरीके से रोजगार को लेकर बड़े स्तर पर निवेश हो रहा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर बात की जाए तो ये जितनी भी परियोजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, जब जमीनी स्तर पर उतरेंगी तो लगभग 2,00,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रत्यक्ष रूप से अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से टोटली लगभग 5,00,000 लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें उनको पूरी तरीके से रोजगार मिलेगा। कई ऐसी जगह है, कई
ऐसे लोकेशन हैं जहां पर बड़ी बड़ी यूनिटें लगनी है। 1500 करोड़ की बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोजेक्ट है वो सीतापुर में सनलाइट फ्यूल लगाएगा, ये भी एक बड़ी उपलब्धि होगी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। वहीं पर टाटा पावर शाहजहांपुर और बरेली में 500 करोड़ के निवेश में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। तो ये सभी चीजें एक माइलस्टोन होंगी उत्तर प्रदेश के लिए, जो बड़े स्तर पर ये प्रूव करेंगी कि अब उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पर लोग बिजली के लिए सोचते थे, जहां पर लोग एनओसी के लिए सोचते थे, जहां पर लोग कागजों की कार्रवाइयों के लिए सोचते थे, जहां लोग आने से डरते थे। तो एक मजबूत स्थिति में है उत्तर प्रदेश, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, लेकिन जब भी अगर कोई प्रदेश या कोई शख्स जो है कोई सपना देखता है तो वहां पर चुनौतियां बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की राह में है, अग्रसर है, तो ऐसे में चुनौतियां जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के सामने भी कई होंगी, उन चुनौतियों के बारे में भी जरा बताइए। देखिए चुनौतियां साफ है, चुनौतियां यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने के लिए सोचा गया, इन्वेस्टर समिट करने के लिए सोचा गया, तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरीके से उद्योगपतियों को ये भरोसा दिलाया जाए कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो मजबूत है, क्योंकि उद्योगपति हमेशा अपनी पूंजी अपने कामों की सेफ्टी चाहता है। तो किस तरीके से उद्योगपतियों को कानून व्यवस्था की एक उम्मीद दिखाई जाए, किस तरीके से ये बताया जाए कि जो बिजली है जो सबसे ज्यादा मूलभूत जरूरत होती है एक उद्योग के लिए, बिजली यहाँ पर मिलती है, क्योंकि लगातार एक परसेप्शन था उत्तर प्रदेश का कि बिजली यहाँ पर नहीं आती है, बिजली हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ये कैसे परसेप्शन पूरा क्रिएट किया जाए उद्योगपतियों के बीच में। ये सभी बड़ी स्तर की चुनौतियां थी। जमीनों को लेकर जो एनओसी दी जाती थी जहां पर फैक्ट्रियां बनती थी, वहां पर किस तरीके से एनओसी उनको मिलेगी, ऑनलाइन एनओसी किस तरीके से मिलेगी, दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उन पे किस तरीके से अच्छे से काम होगा, इन सभी चीजों को लेकर एक बड़ा भरोसा दिलाना है सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर जीता है। लगातार अगर सतीश महाना जी की बात की जाए जो कि औद्योगिक विकास मंत्री है, लगातार जब से सरकार में आए लगातार वो उद्योगपतियों के कॉन्टैक्ट में है, लगातार उत्तर प्रदेश का बड़े स्तर पर प्रोजेक्शन दे रहे, लगातार उद्योगपतियों के टच में बने हुए, लगातार उद्योगपतियों को बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अलग से प्रोवाइड हो रही है। इतना बड़ा कंज्यूमर है उत्तर प्रदेश में जहां पर उनकी जो प्रोडक्शन है वो खुद सबसे ज्यादा खपत होगी। ये सभी चीजें जो बेनिफिट्स है उत्तर प्रदेश के वो उद्योगपतियों के सामने रखा और एक परसेप्शन उत्तर प्रदेश का बनाया कि उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत प्रदेश है जहां पर आप अपना उद्योग चला सकते हैं। ये सभी परसेप्शन बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी जिसको उत्तर प्रदेश सरकार बखूबी एकदम सफलतापूर्वक लगातार पार कर रही है। बिल्कुल विक्रम, बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुरुआत जो है की जाएगी सुबह 11 बजे। अमित शाह जो है इसकी शुरुआत करेंगे, लखनऊ पहुंचेंगे सुबह 11 बजे। अमित शाह, 65,000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा, 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 31% निवेश इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में होगा, हाउसिंग क्षेत्र में 10% निवेश कंपनियां करेंगी, आधारभूत संरचना क्षेत्र में 12% निवेश होगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा में 16% निवेश होगा, सबसे ज्यादा 54% निवेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हाउसिंग क्षेत्र में 10% निवेश, यानी कि हर सेक्टर को आज लाभ जो है वो मिलने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से वादा किया गया था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा, उसकी राह में हर काम सीएम योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं, रोड से लेकर स्वास्थ्य और हर क्षेत्र को कवर अप करने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। और इसी की पहल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 जिसका आयोजन आज किया जाएगा, सुबह 11 बजे लखनऊ पहुंच रहे हैं अमित शाह, और जिसकी नींव रखने के लिए अमित शाह जो है पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हर क्षेत्र में जो है वो निवेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सेकंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पिछले साल हुए इन्वेस्टर समिट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 60,000 करोड़ की 81 परियोजनाओं को पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर जमीन पर उतार कर दिखाया, और इस बार एक बार फिर 28 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार 65,000 करोड़ की 292 परियोजनाओं का शिलान्यास करेगी। 65,000 करोड़ के करीब 292 परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ जुड़े प्रोजेक्ट के पूरे होने पर करीब 2 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेजबानी में होने वाले इस शिलान्यास समारोह में बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। 28 जुलाई को ग्राउंड ब्रेकिंग 2 सेरेमनी होगी, जिसमें कि
कई बड़े नामचीन उद्योगपति इसमें शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक और ऐतिहासिक पन्ना जोड़ा जाएगा, जिसमें कि ग्राउंड ब्रेकिंग के सेरेमनी के बाद एक बार फिर से 65,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास 28 जुलाई को लखनऊ में होगा। सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म एंड फिल्म, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी का अलग अलग सेशन होगा। सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में कुल 6 सेशन होंगे। सत्र के बाद CEO राउंड टेबल और V2G मीटिंग होगी, जिसके बाद सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सेशन चलेंगे। हर सेशन में उत्तर प्रदेश में कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, इस पर चर्चा होगी। योगी आदित्यनाथ की मेजबानी में होने वाली शिलान्यास समारोह को अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, HCL ग्रुप के चेयरमैन शिव नादर, पेप्सिको इंडिया के CEO एंड प्रेसिडेंट अहमद अल शेख, सैमसंग इंडिया के प्रेसिडेंट एंड CEO HC होंग, RTC के CMD संजीव पुरी वेदांता एंड हेल्थ केयर सेक्टर स्किल्स काउंसिलिंग के चेयरमैन नरेश त्रेहन विशेष रूप से संबोधित करेंगे। यानी कि एक बार फिर से बड़े स्तर पर बड़े उद्योगपति 28 जुलाई को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहेंगे और उत्तर प्रदेश के एक और ऐतिहासिक पन्ने को, सुनहरे पन्ने को लिखा जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर लखनऊ। इसी खबर पर आज जो आप बातचीत के लिए लगातार हमारे संवाददाता विक्रम राठौर हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है और अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 2 लाख निवेशकों का रोजगार होगा, रोजगार बढ़ेगा, साथ ही उत्तर प्रदेश में जो हमेशा समस्या रहती थी रोजगार की, कहीं ना कहीं अब वो कम होती हुई नजर आएगी। जी देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर जो 2 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से है, यानी कि जो 292 जो परियोजनाएं हैं उनका जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर उतरेंगी तो 2 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। अब प्रत्यक्ष रूप से ये आंकड़ा लगभग 5 लाख का है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। यानी कि जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग 2 सेरेमनी हो रही है, इसमें टोटल अगर आंकड़ों की बात की जाए कि अगर जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को जो रोजगार मिलेंगे, उसमें लगभग 5 लाख लोगों का आंकड़ा यह बताया जा रहा है कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जो कि एक सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमेशा से रोजगार एक बड़ी समस्या रही है, रोजगार सृजन एक बड़ी समस्या रही है कि किस तरीके से रोजगारों को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से युवाओं को उत्तर प्रदेश में रोका जाए, जो लगातार युवा अन्य राज्यों में जाकर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो क्रीम है, उत्तर प्रदेश की जो स्किल्स है, वो लगातार यूपी छोड़कर बाहर जा रही है, उनको किस तरीके से रोका जाए, ये एक बड़ी चुनौती थी। और जिस तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग 1 हुई और ग्राउंड ब्रेकिंग 2 हो रही है, ये साफ कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा तो जो यहाँ के युवा है वो यहीं पर रहेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। लगातार जिस तरीके से 4.28 लाख करोड़ के जो MOU साइन हुए थे, उनको लगातार ग्राउंड स्तर पर उतारा जा रहा है। पहले 60,000 करोड़ की परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा गया, आज 65,000 करोड़ की परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एक साल के अंदर दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार के सिर्फ 2 साल अभी हुए, 2 साल के अंदर दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जरूर एक उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। और साफ है कि आज उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जरूर सोच रहा होगा कि किस तरीके से बड़े स्तर पर जो संभावनाएं, जो उत्तर प्रदेश हमेशा कहा जाता है कि संभावनाओं का प्रदेश है, उसको किस तरीके से टटोल कर सामने लाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से संभावनाओं को बड़े स्तर पर सामने ला रही है, इससे हर युवा जरूर प्रसन्न होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आपको बता दें तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बनने की राह में अग्रसर, और इसी के लिए हर मुमकिन कोशिश, ताकि आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 का जब आयोजन होगा तो ये कोशिश की जाए कि किसी भी तरीके की परेशानी जो है लोगों को ना हो, रोजगार मिले, निवेश बढ़े। और साथ ही अभी तक जो आंकड़ा रखा गया है वो ये रखा गया है कि इस बार जो है फिलहाल 2 लाख से ज्यादा रोजगार प्रत्यक्ष रूप से जो है वो दिखाया जाएगा। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से जो है इससे भी ज्यादा रोजगार हो सकता है, हाउसिंग क्षेत्र में 10% निवेश कंपनियां इस बार करेंगी। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।